यहाँ पे क्वेश्चन अपने पास, मेन पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन 3rd सेकेंड 6 सेकेंड आर इक्वल, मतलब जो आपकी डिस्टेंस है 3rd और 6 सेकेंड में वो इक्वल है। अब ऐसा तभी हो सकता है दो डिस्टेंस इक्वल हो तो पक्का है पार्टिकल पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, नहीं तो कभी भी अगर ये ऊपर जा रहा हो उस दरमियान इसकी कभी भी दो डिस्टेंस इक्वल नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन में अपन को इसको इनिशियल स्पीड दिया है और आपसे पूछा फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टोटल यहां से अगर यहाँ है तो कितना इसको टाइम यहाँ पे लगा है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे इसका सॉल्यूशन के लिए इसका डायग्राम बना के समझ लेते हैं कि जैसे ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पे ये आपका पार्टिकल है, इसको आपने ऊपर कुछ दिया है इसने यू इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड से इसको अपन ने यहाँ फेंका है, थ्रो किया है। तो जब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा तो मैंने मान लिया मैक्सिमम हाइट है, देन यहां से वापस रिटर्न आ जाएगा, आएगा ऐसे ही बिल्कुल जैसे जाएगा वैसे। तो इसके लिए अपन ये मान लेते हैं कि ये इसकी मैक्सिमम हाइट पे जाके रुक जाता है फिर ये नीचे आता है, तो ये इसकी फाइनल स्पीड हो जाती है आपकी 0। अब इसके लिए बोला है कि 3rd और 6th सेकंड में ये क्या चला है, इक्वल डिस्टेंस। तो इसके लिए अपने पास एक ऑप्शन तो ये है कि ये यहां तक जाने में कितना टाइम लगा, तो इसके अपन दो या तीन जो भी मेथड होंगे वो सब यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका सबसे अच्छा है कि पहले इसको यहां से आने में कितना टाइम लगा, ये वाला मोशन पर ले लेते हैं, इसको अपन नाम दे देंगे ओ ए और इसको बी पॉइंट। अब जब यहां से यहां गया है तो इसके लिए अपन बोलते हैं फोर ओ ए, ओ टू ए के लिए 4OA है ना, ओ टू ए पे जब जा रहा है अपवर्ड जो मोशन, इसको अपवर्ड मोशन बोलते हैं, इसको डाउनवर्ड बोलते हैं। तो ये जब यहां पे जा रहा है अपवर्ड उसके लिए अपन बोलेंगे इसको कितना टाइम लगा। तो आप उसके लिए देखो आपको यू पता है, वी पता है, 0 है और ये मोशन रिलेटिव है क्योंकि मैंने इसे पार्टिकल को थ्रो किया है। तो ए आपको यहां पे पता होगा कि ए कितना होता है, एक्सेलरेशन हमेशा जी होता है, अपन माइनस जी बोलते हैं क्योंकि अपन नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं और ऊपर को अपन पॉजिटिव लेते हैं। तो अपने को यहां पता है यू पता है, बी पता है, ए पता है, मुझे यहां से आते का टाइम निकालना है, उस टाइम को मैं मान लेता हूं ऊपर जाने का टाइम है T1 और नीचे आने का टाइम है T2। तो ये जो जाने का टाइम है ऊपर तक का ये है T1 टाइम, ठीक है, और ये जो वापस आने का टाइम है ये है आपका T2 टाइम, ठीक है। अब इसमें अपन बोलेंगे कि मुझे वी पता है यू पता है, लिख लेते हैं एक बार और आपके लिए बिल्कुल, यू इसका है 40 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड डायरेक्शन है तो पॉजिटिव होगा कोई नो डाउट मीटर पर सेकेंड। जब ये यहां जाके रुक जाएगा तो इसका फाइनल भी कितना हो जाएगा आपका 0 और यहां तक जाने का उसको कितना टाइम लगा है T1 टाइम, और ये आपको निकालना है। तो ऐसी कोई इक्वेशन होती है कि इसमें a u v और t आता हो, नॉर्मल फर्स्ट इक्वेशन आपकी होती है v = u + at, ये वेक्टर फॉर्म में होती है इसीलिए अपन यहाँ विद साइन इसको यूज करते हैं, हालांकि वो यहाँ पे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा फिर भी अपन तो विद साइन यूज कर रहे हैं बिल्कुल। जो है वो लिख दीजिए यू कितना है आपका 40 प्लस 40 ऊपर फेंका है प्लस ए कितना है नीचे है तो माइनस जी और टाइम है यहां तक का T1। तो आपका T1 कितना आ गया, T1 आपका यहां से इसको इधर भेज देंगे तो ये पूरा इधर लेके आ जाओ, जी T1 पॉजिटिव हो गया और ये इधर है 40। अब जब T1 आपको निकालोगे तो ये जो जी है इसकी डिवाइड में चला जाएगा तो 40/g, जी की वैल्यू फिलहाल अपन यहां ले लेते हैं, क्वेश्चन में मान लीजिए आपको गिवन ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये अपन यहाँ पे इसकी वैल्यू भी 10 ले लेंगे तो 40/10 मतलब इससे ये कैंसिल और ये आ गया आपका 4 सेकेंड। तो इसको ऊपर जाने का टाइम लगा है 4 सेकेंड। अब आपको पता ही है कि जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है ना उतना ही नीचे आने में लगता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, जैसे इसको मैं ऐसे फेंकता हूँ तो ये जब नीचे आता है तो जितने देर के लिए ऊपर गया उतनी ही देर में ये नीचे आया है, ये आपका मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है काम, ठीक है। तो इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो इससे तो आ गया आपका 8 सेकेंड, ठीक है। अब इसका ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, तो जो T1 होगा उस अब आप T2 भी आप निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं निकाल सकता, और मैं ये बात भी प्रूफ कर सकता हूँ कि ऊपर जाने का जितना टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में लगता है। आप इसके लिए मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो मैं इसका आंसर कर देता हूँ फिर आपको ये भी प्रूफ कर देंगे कि वो दोनों टाइम इक्वल होते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं इसका आंसर लिख देता हूँ, तो इसका वी नो दैट जो टी अपवर्ड होता है अपवर्ड का टाइम इजिकल्स टू टी डाउनवर्ड का टाइम होता है, तो यहां पे अपना इसका मतलब जो T1 है वो T2 के इक्वल है, ठीक है।
तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कितना आ गया यहां से, जो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट इसको अपन कैपिटल टी बोल रहे हैं, वो कितना आ गया आपका यहां से, टी वन प्लस टी टू था टोटल टाइम आपका, ठीक है। तो टी वन और टी टू दोनों इक्वल है, तो टी वन की जगह आप डाल दो फोर प्लस फोर, तो आपका आ गया टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 8 सेकेंड। ये आपका इसका सोल्यूशन कम्प्लीट हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट जो आपसे पूछा गया है। अब इसमें वो नोट डिस्कस कर लेते हैं, कभी कुछ बच्चे कहते हैं सर इक्वल होता है, हमें तो लगता ही नहीं है ये आपने ऐसे फेंका, तो लगा ऐसा गया थोड़ा सा जल्दी आया थोड़ा लेट, कभी ऐसा हो जाता है, वैसे इक्वल होता है, आप ऑब्जर्व करो अच्छे से तो आपको लगेगा। अब इसको अपन इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि ये हाइट निकाल लो, ठीक है, ये हाइट अपन इसकी निकाल लेते हैं। वैसे तो अपना सोल्यूशन इसका कंप्लीट हो गया, फिर भी आपके समझने के लिए कि कुछ बच्चे कहते हैं उनके लिए कि इसकी जो ये हाइट है ये हाइट कितनी होगी, इसके हाइट के लिए आपको देखो इसका जो है वो यू है आपका 40, वी फाइनल यहां जाके ये रुक जा रहा है, ए इस पे लगेगा माइनस जी, और इसकी जो हाइट है उसका मान लो एच मैक्स, वो आपको निकालनी है, ठीक है। ये यहां तक जाने की जो हाइट है इसको बोलते हैं एच मैक्स, जिस मैक्सिमम हाइट पे जाके ये रुक जाएगा उसको एच मैक्स बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। टी वन यहां तक का टाइम, टी टू ये टाइम पूरा, और ये एच मैक्स है। अब इसमें अपन बोल रहे हैं, अभी इसका डायग्राम थोड़ा सा अपन ऊपर एडजस्ट करने वाले हैं, ठीक है। देखिए इस पार्ट इसके लिए तो अपने को इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, वैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये जो डिस्टेंस है ये इक्वल है। अगर बाय द वे ये इनिशियल स्पीड नहीं देता तो फिर आपको इसकी हिंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अभी मैं ये भी प्रूफ कर देता हूं कि ये दोनों, ये जो जाने का टाइम और आने का टाइम ये दोनों इक्वल होते हैं। तो जाने का टाइम आप ऐसे देख सकते हो, पहले हाइट निकाल लेते हैं, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, क्योंकि इसी इक्वेशन ऐसी इसमें टाइम नहीं आता है, तो इसमें टाइम नहीं था तो टाइम के बिना वाली थर्ड इक्वेशन होती, इसको अपने लगाया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। वी फाइनल हो गया जीरो, यू है आपका 40 का स्क्वायर प्लस टू, ए की वैल्यू होती है वो है 10, लेकिन अपने माइनस 10 लेंगे या माइनस जी जो भी आप लेना चाहो, क्योंकि नीचे की डायरेक्शन में इसको विद साइन ले रहा हूं। देखो यू है जीरो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं, प्लस टू ए की वैल्यू विद साइन, और ये तो आपको निकालना है, इसको मैं एच मैक्स पुट करता हूं, ये तो आपको निकालना है, तो जो निकालना है उसका साइन नहीं लगाते, वो ऑटोमेटिकली विद साइन निकल के आएगा। इस पूरे को उठा के दे लिया, तो ये इससे मतलब 20 एच मैक्स, 20 इंटू एच मैक्स इजिकल्स टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 1600, ठीक है, 1600 इसका स्क्वायर हो चुका है, इसको डिवाइड मार दो, आपको इसका एच मैक्स आपका आ गया है यहाँ पे, कितना एच मैक्स 1600 अपॉन 20, इससे ये कट गया, ये 80 आ गया, ठीक है, 80 मीटर इसकी जो ये हाइट है, मतलब आपको पता लग गई 80 मीटर है। तो आपको यहां से यहां जाने में जो टाइम है वो कितना लगा था, वो अपन ने इससे निकाल लिया कि वो 4 सेकंड लगा। अब इस हाइट से अगर मैं यूज करूं तो ये मेरा जो टाइम डाउन बढ़ेगा, ये मेरा कितना आना चाहिए 4 सेकंड, ये 4 सेकंड लगा था, ये भी 4 आना चाहिए ना, तो ये तो हमने को पता है इसे इक्वल होता है, फिर अपन प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। तो ये जो आपका टाइम है ये मैं निकाल रहा हूं फिलहाल, अब इस मोशन को कंसीडर कर रहा हूं मैं 4AB मोशन, 4AB, ठीक है, तो 4AB। अब मैं इसको थोड़ा छोटे से इधर कर देता हूं ताकि एक ही में हो जाएगा अपना काम, 4AB के लिए आपका हो जाएगा। मुझे टाइम निकालना बड़ा आसान है, वही इक्वेशन लगी आपकी वी, देखिए अब टाइम तो मुझे निकालना है, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, ये आपको पता होगा ना, अगर इसको 40 से देखते तो 40 से टकराता है, अगर आपको ये भी पता नहीं तो आप इसको भी इसी इक्वेशन से लगा के चेक कर सकते हो कि 40 से ही टकराता है। मैं कर देता हूं एक बार, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वी फाइनल आपका जो टकराएगा, मान लो मुझे निकालना है, मुझे पता ही नहीं कि जितने से फेंकते उतने से टकराता है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर। अब देखो मैं ए बी मोशन की बात करूं तो ये मेरे लिए यू हो जाएगा, ये वी हो जाएगा फाइनल जिससे टकराएगा, ठीक है, ये वी हो जाएगा फाइनल जो टकराएगा, तो वी जो टकराएगा वो तो मुझे निकालना है, ठीक है, यू स्क्वायर मतलब यहां का मोशन ए बी, तो ये मेरे लिए यू हो जाएगा। तो ये यहां पे क्या रेस्ट में था भाई, थोड़ी देर के लिए आता है फिर ये रुकता है, देर फिर नीचे आता है, तो यहां जाके रुक गया था ना ये, तो इसका जो यू है वो आपका हो गया 0 प्लस 2AS, तो 2 तो आपका 2, a की वैल्यू माइनस जी या माइनस 10, और ये हाइट आपको पता है नीचे है, इसलिए आप इसको नीचे नेगेटिव लोगे, क्योंकि अपन ये मोशन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो जहां से आप लेते हो वहां ऑब्जर्वर को मानो, तो यहां आपका ऑब्जर्वर है, तो ये आपका नीचे का सब नेगेटिव होगा, ये आपका ओरिजिन है, तो नीचे का नेगेटिव, तो इसको आप विद साइन पुट करना हाइट को माइनस का 80, ठीक है। अब देखो ये माइनस माइनस तो हो गया आपका प्लस, ठीक है, और जी के जो डाल दो आप यहाँ पे 10,
तो टू को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया टू इंटू वन सिक्स, वन सिक्स ठीक है, 1600 जी की वैल्यू डाल दी मैंने साथ में। इसको इससे आपने मल्टीप्लाई किया तो 80 इंटू टू 160, 160 इंटू इसके टू 10 पुट कर दिया। अब इसका रूट ले लो आप तो वी कितना आ गया आपका 40 मीटर पर सेकेंड। तो प्रूफ हो गया कि जिससे मैंने इसको यहाँ फेंका था उसी से आके ये टकराता है, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको एडिशनल। अब ये जो बात थी इसको मैं हटा रहा हूँ, ये मैंने केवल प्रूफ किया आपके लिए। जगह इधर अपने पास थोड़ी सी कम है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा काम, ठीक है। ये इसका फर्स्ट मेथड आपका कंप्लीट हो गया कि आपका जब यहां गया ये इसमें इतना टाइम लगा तो आने में उतना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, फर्स्ट मेथड रहा इसका, ये M1 आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या होता है, इसका दूसरा मेथड एक होता है आपका ट्रिक। ट्रिक ये बताने जा रहा हूं मैं, इसकी ट्रिक M2 मेथड बोल दो आप इसका, ट्रिक। फिलहाल ट्रिक को मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा आपको करने के लिए, फिर आप देख सकते हो इसकी जो M2 मेथड आप ट्रिक लो दो वो क्या हो सकती है कि जब भी ऐसे बोले ना कि इस और इस सेकंड में ये इक्वल डिस्टेंस चला है, डिस्टेंस लो 18 थर्ड सेकंड एंड 6 सेकंड आर इक्वल, तो इसको मैं डायग्राम से भी आपको थोड़ा समझाता हूं। इस डायग्राम में भी अपन थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये टोटल चला था 4 सेकंड के लिए, अपने को यहां से पता लग गया तो डिस्टेंस इसकी थर्ड और 6 सेकंड की इक्वल है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि जो थर्ड सेकंड होगा, तो देखना थर्ड सेकंड कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका मान लो ये है t बराबर 1 सेकंड, ये है t बराबर 2 सेकंड, ये है t बराबर 3 सेकंड, और ये मान लो अब यहां पे है t बराबर 4 सेकंड, ठीक है। अब देखो कौन सी डिस्टेंस इक्वल है, थर्ड वाले की 6 के इक्वल है, थर्ड वाले की 6 के इक्वल है, तो अगर इधर से ये थर्ड सेकंड है तो इधर से देखो कौन सा होगा, ये फोर्थ है, तो यहाँ आएगा तो ये हो जाएगी टी बराबर 4, तो ये हो गया ये फिफ्थ होगा, सॉरी ये आपकी हो जाएगा टी बराबर 4 का फिफ्थ सेकंड, ये हो गया टी बराबर 6 सेकंड, ये टी बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा इसके करस्पॉन्डिंग टी बराबर 7 सेकंड और 8 सेकंड को टकरा जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंड ऑफ 7 सेकंड होगा जब ये टकरा जाएगा, अब इसके लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि देखो ये डिस्टेंस और थर्ड सेकंड में कौन सी डिस्टेंस है, ये होती है फर्स्ट सेकंड की डिस्टेंस, ये होती है सेकंड सेकंड, जब 1 के बाद जो टाइम होता है उसको सेकंड सेकंड बोलते हैं, तो ये सेकंड सेकंड की डिस्टेंस है, इसको आप चाहो तो S2 बोल लो, ठीक है। ये S2 हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है 2 से 3 के बीच की इसको आप S3 बोलोगे, क्यों, क्योंकि ये कौन सा सेकंड है, ये है सेकंड के बाद होता है थर्ड सेकंड, तो ये थर्ड सेकंड की जो डिस्टेंस है वो एस थर्ड हो गई आपकी, ठीक है, एस थर्ड। और कौन सी डिस्टेंस, एस सिक्स्थ। अब देखना ये है थर्ड सेकंड में इतना चला, फोर्थ सेकंड में इतना चला, ये है फिफ्थ सेकंड, फिफ्थ में इतना चला, और ये 6 सेकंड, ये 7 सेकंड और ये 8 सेकंड है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे बोल दो कि ये टोटल 8 सेकंड के लिए चलाया, तो 7 सेकंड का जो 7 सेकंड का जो 8th सेकंड उसमें ये टकरा गया। अब आप बोल सकते हो कि इसकी जो ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इक्वल हो गई आपकी S6, इन दोनों डिस्टेंस को आप इक्वल कर लो, ठीक है। एक तो ये मेथड है आपका, दूसरा आपका इसमें मेथड है ट्रिक वाला, वो अभी करेंगे, थर्ड मेथड है वो दोनों डिस्टेंस इक्वल करके। इसका तो सेकंड मेथड अपना ट्रिक वाला है कि इसका जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है उसमें ऐसे करो कि ये जो सेकंड है जिसमें डिस्टेंस इक्वल है, इन दोनों को एड कर दो 3 प्लस 6 और इसमें से -1 कर दो, तो ये 9 -1 मतलब 8 सेकंड, ये आपका बिना कुछ करे आंसर आएगा ट्रिक से। लेकिन फिलहाल आपके लिए ज्यादा बेस्ट होता है बेसिक पे जाना, ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी, तो ज्यादा अच्छा है आपके लिए कि आप इसको बेसिक से करें, है ना। ये तो अभी के अभी बेसिक ये है, इसका एक और बेसिक मेथड जो यहां से जो दिया इससे भी अपन इसको स्टार्ट करके कर सकते हैं, तो इसके बाद इसको मिटा देते हैं, और इसका जो सेकंड थर्ड मेथड है वो अपन यहाँ पे इसको
आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो टू को ऐड कर दो जिसमें ये इक्वल डिस्टेंस चला है 3 + 6 और -1 कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में जब भी इक्वल चले ऊपर जाके नीचे आ रहा उसमें। अब इसका जो थर्ड मेथड है वो ये होता है कि आप जानते हो कि जब अपन किसी को अगर यू स्पीड से फेंकते हैं तो उसका एक आपको फॉर्मूला पता होता है कि उसको 2u/g उसका टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। जब किसी को अपन ऐसे फेंकते हैं तो उसको नीचे आने में 2u/g का टाइम लगता है। तो आपका यहाँ पे जो टाइम है उसका फॉर्मूला यूज कर सकते हो 2u/g। ये फॉर्मूला आपको शुरू में बताया जाता है। तो 2 × u की वैल्यू आपको 40 गिवन है और g की वैल्यू 10, तो इसको मल्टीप्लाई करते हो गया 80/10 2 × 4 = 86। ये इसका थर्ड मेथड। सो सबसे बेस्ट मेथड इसका फर्स्ट मेथड ये, फिर देन सेकेंड वो आप देख सकते हो। और अगर आपको फॉर्मूला ये लर्न है तो आपका थर्ड मेथड हो गया, तो ये आपका कंप्लीट हो गया इसका। Thanks for watching.